आपका राशन कार्ड बन गया। ये क्या है, ये तो समझ नहीं है, बाकी सब समझ में अच्छा लगा, लेकिन ये राशन कार्ड क्या है? So always the one person जब मैं फोन करता था, भाई अब आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं शूटिंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, लेकिन मैं आऊंगा। I'm very quiet about my work. I don't like to talk about it too much. कि हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं बस। अपने आप को, अपने परिवार को कभी भी सैक्रिफाइस कर सकता है अपने देश के लिए, क्योंकि भारत की सभी पुलिस फोर्सेज को रोहित शेट्टी को एक PhD देना चाहिए, डॉक्टर रोहित शेट्टी, उसके साथ जो बहुत गलत हुआ उसे सही करने के लिए, एक सिस्टम को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने के लिए तैयार, उसे सिस्टम ने डिसअपॉइंट किया हुआ है, निराश है वो सिस्टम से। रोहित शेट्टी ऑलवेज बिलीव्स इन क्रिएटिंग एन इमोशनल एक्सपीरियंस। आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस फॉर गिविंग मी सो मच लव ओवर 2 डेकेड्स ऑफ माय लाइफ। हे गाइस, वेलकम टू E24, मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज, और आपको बता दूं कि महज 1-2 साल पहले Amazon Prime का एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ था, जिसमें इंडियन पुलिस फोर्स की अनाउंसमेंट भी हुई थी, जिसमें सब लोग वहां स्टेज पे आए थे, एंड तब से हम इसका इंतजार कर रहे थे। फाइनली वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई और 19 जनवरी को इंडियन पुलिस फोर्स ये वेब सीरीज है और Amazon Prime पे आने वाली है। इसमें बहुत ही अहम किरदार में नजर आ रहे हैं IGP विक्रम बख्शी जी। हाँ, हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद है विवेक ओबरॉय, आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 में। आपने जयंत गावस्कर का किरदार निभाया, इसमें आप विक्रम बख्शी का किरदार निभा रहे हो। हम एज अ ऑडियंस, हम कितना डिफरेंस देखने वाले हैं इन दोनों किरदारों में? काफी ज्यादा, क्योंकि जयंत जो कैरेक्टर है वो एक अलग किस्म का किरदार है, वो पर्सनल रिवेंज के लिए, एक उसके साथ जो बहुत गलत हुआ उसे सही करने के लिए, एक सिस्टम को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने के लिए तैयार है, वो उस लेवल पे आ चुके हैं। बिटरनेस इतनी है, एक फ्रैक्चर्ड फैमिली है, और गुस्सा इतना है जिसे वो शराब पी कर बुझाने की कोशिश करते हैं उस आग को। तो जयंत उस टाइप के माइंडसेट का कैरेक्टर, जो बहुत शार्प है, बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन वो पर्सनल रिवेंज चाहता है, क्योंकि उसे सिस्टम ने फेल कर दिया है, उसे सिस्टम ने डिसअपॉइंट किया हुआ है, निराश है वो सिस्टम से। विक्रम बख्शी बिल्कुल अलग है, एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, सिस्टम की फ्रस्ट्रेशन उसके भी अंदर है, लेकिन वो बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है, बहुत ही मच्योर कैरेक्टर है। उसके लिए उसका परिवार अपना परिवार है, लेकिन उसके साथ में काम करने वाले जैसे कबीर जो सिद्धार्थ कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और उनकी सारी जो टीम है वो उसके लिए एक्सटेंडेड फैमिली, अपना परिवार वो भी है, दिल्ली पुलिस के सारे लोग उसके लिए परिवार है। तो इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरी भी है, बट कोर जो है विक्रम बख्शी का, वो कोर है एक पेट्रियोटिक, एक एब्सोल्यूट देशभक्त, जो अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जूनियर्स के लिए, अपने समाज के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। तो वो एक बहुत ही पेट्रियोटिक, नोबल, करेजियस कॉप है, रियल वीर, उस तरह का पुलिस वाला है। Tell us something about the process of you getting on board in the IGP, because आपने हमें एक वक्त में बहुत सारे एक्शन दिखाए हैं और हम उन एक्शंस को मिस करते आए हैं, बट ये एक बार फिर से देखना हम लोगों के लिए, लाइक मी बीइंग अ फैन ऑफ विवेक ओबरॉय, स्टिल रिमेंबर लाइक वी यूज्ड टू हैव आवर योर पोस्टर इन आवर हाउस, हम जब दम आया था उसमें साथिया, एंड आई स्टिल रिमेंबर लाइक न्यूज़पेपर्स में बड़े-बड़े पोस्टर्स आउट होते थे, आई हैव दैट, आई स्टिल गॉट दैट पोस्टर एट माय प्लेस, जहां पे आपका और रानी मुखर्जी का, साथिया का पोस्टर था। सो यू बीइंग लाइक गेटिंग बैक इनटू द लाइक एक्शन का जो किरदार, उसके बारे में अगर आप बताना चाहें, हाउ यू गेट ऑन बोर्ड एट IGP। आई मीन फर्स्टली बिफोर आई से एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू थैंक यू एंड जितने फैंस हैं वहां, जो आज भी 20 साल पुराना काम याद करते हैं, इतना प्यार देते हैं, आई स्टिल गेट सो मच लव फॉर दोस फिल्म्स, सो आई जस्ट वेरी थैंकफुल, एंड थ्रू यू आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस फॉर गिविंग मी सो मच लव ओवर 2 decades ऑफ माय करियर। आई थिंक इंडियन पुलिस फोर्स के लिए, IPF के लिए जो तैयारी थी उसमें दो भाग थे, राइट? एक तो रिसर्च, व्हिच व्हेन यू आर वर्किंग विद रोहित शेट्टी इन अ कॉप वर्स यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग,
सब कुछ प्री रिसर्च है, बिकॉज जितना ज्ञान उनको है, मैं हमेशा मजाक करता हूँ कि जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज पीएचडी देती हैं, मैं कहता हूँ कि भारत की सभी पुलिस फोर्सेस को रोहित शेट्टी को एक पीएचडी देना चाहिए, डॉक्टर रोहित शेट्टी, ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ रिसर्च ही हैज डन ऑन पुलिस फोर्स एंड जेन्युइन लव दैट ही हैज फॉर द फोर्स एंड दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन स्क्रीन आल्सो, जिस तरह से वो दर्शाते हैं पुलिस फोर्स को, पर देखो इतनी पॉजिटिविटी, इतनी वाइब्रेंस, इतनी यू नो एक ब्रांड एम्बेसडर ही है वो पुलिस की वर्दी के लिए. बट जो चीजें पन्ने पे ऑलरेडी है उनको स्क्रीन पे कैसे दर्शाना, जैसे हम विक्रम बख्शी की बात करें तो एक रिसर्च एक एलिमेंट है, इन्फॉर्मेशन एक एलिमेंट है, बट रोहित शेट्टी ऑलवेज बिलीव्स इन क्रिएटिंग एन इमोशनल एक्सपीरियंस. आप उनकी कोई भी फिल्म देख लीजिए, आप इमोशनल फीलिंग आएगी आपको, वो इमोशनल एक्सपीरियंस लाने के लिए आपको उस किरदार के इमोशन से जुड़ना पड़ता है. इन्फॉर्मेशन इज द बैकग्राउंड, इन्फॉर्मेशन इज इन द एम्बियंस, आपको उनके इमोशन से जुड़ना पड़ता है. सुर क्या है किरदार का, तो विक्रम बख्शी का सुर है एक बड़ा भाई, जिसके लिए जितने पुलिस वाले हैं, चाहे वो हवलदार हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, जूनियर ऑफिसर्स हो, वो सारे उसके परिवार हैं, जितने उसके सीनियर्स हैं वो घर के बड़े हैं. ही फील्स लाइक दैट, उसके लिए देश के आगे कुछ भी नहीं, वो अपने आप को अपने परिवार को कभी भी सैक्रिफाइस कर सकता है अपने देश के लिए, सही कॉज के लिए, चाहे वो एक इंसान को बचाने के लिए हो, चाहे वो पूरे शहर को बचाने के लिए. He is willing to give his life for that cause, that nobility. जिसे कहते हैं ना रियल, जो पुराने जमाने में क्षत्रिय होते थे, उन राजस्थान के क्षत्रियों की कहावत होती थी कि अगर आपने 16 साल देख लिए तो आप असली क्षत्रिय नहीं हो, क्योंकि तब तक उस जमाने में इतनी लड़ाई होती थी कि इतनी कम उम्र में भी अपनी जान देने का जज्बा उनमें था दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो वो एक एलिमेंट है विक्रम बख्शी. मुझे ये शो कैसे मिला, हाउ डिड आई गेट दिस सीरीज, रोहित भाई एंड आई हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 20 इयर्स एंड हमारा समन्वय जो है, थॉट प्रोसेस जो है, वो मिलता है समाज सेवा में. तो वी डू अ लॉट ऑफ चैरिटेबल वर्क. He is also very quiet about his work. Even I am very quiet about my work. I don't like to talk about it too much. कि हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं. हम काम कर रहे हैं बस. जब भी मैं पुलिस वालों के लिए फ्री कैंसर स्क्रीनिंग रखता था, एंटी टबैको ड्राइव्स रखता था, उनके वाइफ्स के लिए, फीमेल पुलिस वालों के लिए ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग रखता था, तो रोहित शेट्टी वॉज ऑलवेज सपोर्टिव. He was always the one person. जब मैं फोन करता था, भाई अब आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं शूटिंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, लेकिन मैं आऊंगा. वो वाली फीलिंग एक बहुत जबरदस्त बॉन्ड था. मैंने कॉल भी सडनली नहीं सर, यार एक कैरेक्टर है, मैं पहली बार ओटीटी पे उतर रहा हूँ, कैरेक्टर है जो फ्रॉम डे वन मैंने आपको सोच के लिखा हुआ है. तो पहले तो एज एन एक्टर, ह्यूजली सक्सेसफुल एंड फैंटास्टिक डायरेक्टर, मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट लाइक रोहित शेट्टी टेल्स यू कि आपको सोच के मैंने ये किरदार लिखा, दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट. आपको लगता है 20 साल मैंने कुछ कमाया है. So I went, I met him, I heard the script first, I was blown by the story. I said, yaar, ye aapke interesting combination hai, kyunki Indian police force is the scale, the vision, the magnitude, the emotion is of a Rohit Shetty film. But yet, kehne ka tarika, duniya itni real hai, jo OTT ke liye he has adapted, he has changed, he has kept it in the rhythm of OTT. It was amazing to see, you know, larger than life, but in a different way. I loved it and I said, main kar raha hu. Aur jab shoot shuru hui, I think first day, second day of shooting, ek difficult sa scene tha, performance piece. Thoda lambe dialogue bhi the. Wo sab hue aur main wait karta hu, jaise aap perform karte ho, cut hota hai, aap wait karte ho director ka kya response aayega, ek aur chahiye, ek aur karte hain, nahi karte hain, ye wo. To Rohit bhai ka mujhe suddenly awaaz sunai di mic pe aur unhone तारीफ करना शुरू किया और माइक पे पूरे पूरे टीम के सामने, जो नॉर्मली नहीं होता है ना, नॉर्मली आप डायरेक्टर आके आपको वन ऑन वन कहते हैं और टीम क्लैप करने लग गई. तो मैं भी बहुत भावुक हो गया, आई वाज वेरी इमोशनल. और एंड में उन्होंने कहा, भाई आपका राशन कार्ड बन गया. ये क्या है, ये तो समझ नहीं है, बाकी सब समझ में अच्छा लगा, लेकिन ये राशन कार्ड क्या है. हम भी कंफ्यूज हुए, मैं पूछता गया, वो पूरे बताऊंगा. बाद में मुझे टीम वालों ने और रोहित भाई ने जब बैठे हुए थे लंच ब्रेक में, उन्होंने मुझे समझाया कि यार हमारे में एक सिस्टम है, जब हमें किसी के साथ काम करने में मजा आता है, उसके परफॉर्मेंस में, उसके बिहेवियर में, टीम के साथ घुल मिल जाता है,
तो हम फिक्स कर देते हैं कि इसका राशन कार्ड बना दो, अभी रोहित शेट्टी पिक्चर्स पे हम इसको दोबारा बार बार लेते रहे। मुझे भी मजा आया क्योंकि मैंने भी उनको यही कहा कि अब इस स्टेज पे अपने करियर के मैं नौकरी नहीं करना, भगवान का दिया बहुत कुछ है, इन्वेस्टमेंट्स है, बिजनेसेस है, बहुत कुछ कमाया है जिंदगी में, तो अब सिर्फ पैशन के लिए और अच्छे लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाट आई लुक फॉर। एंड व्हेन यू वर्क विद रोहित शेट्टी एंड हिज टीम यू फील सो गुड। एट द एंड ऑफ द शूट आई रिमेम्बर लास्ट शॉट पे सब क्लैप कर रहे थे, सब चीयर कर रहे थे कि इट्स अ रैप फॉर मी, सबसे भी मिला, एक एक मेंबर से जाके गले मिला। और अगले दिन मैंने उनको फोन भी किया, मैं यार मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ, एक विड्रॉल सिम्टम्स आ रहा है, आई वांट टू बी देयर इन दैट टीम, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू फील लाइक। कोई बात नहीं, जब राशन कार्ड मिल गया है तो हम आगे भी आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। आपने अभी अपने आंसर के दौरान दो शब्द का इस्तेमाल किया था, जज्बा और एक्सपीरियंस, उससे मुझे सुरेश सर की याद आई। आपने एक बहुत ही प्यारा सा नोट भी लिखा था उनके लिए। आई रिमेम्बर जब आपने वो नोट लिखा था, बहुत ही प्यारे शब्द थे उसमें, बहुत ही अच्छे से आपने उनके बारे में लिखा था। डू यू स्टिल फील लाइक आफ्टर कमिंग दिस स्टेज उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर एनिमल में उन्होंने प्ले किया है, आपको अभी भी लगता है कि लाइक मैं अप टू द मार्क? आई थिंक बहुत जल्द मैंने रियलाइज किया कि मैं पिताजी से कंपैरिजन नहीं करना चाहता, ना उनकी आवाज से, ना उनके प्रेजेंस से, ना उनके फिल्म को अप्रोच के लिए। और हम एक्चुअली सिनेमा के बारे में अर्ली स्टेजेस में बहुत बात किया करते थे, फिल्मों के बारे में, रोल्स के बारे में, परफॉर्मेंसेस के बारे में, अप्रोच के बारे में। एंड ही वाज आल्सो कॉन्शियस कि बेटे को मैं ज्यादा गाइड नहीं करूं, लेट हिम फाइंड हिज ओन पाथ, यू नो। लेकिन अब जैसे उम्र आगे बढ़ी है, आई थिंक पिछले 10 सालों में हमने ही हैज टॉट मी मोर अबाउट बीइंग अ गुड फादर टू माय चिल्ड्रन। वो सलाह हम बैठते हैं डिनर टेबल पे, साथ में खाना खाते हैं, तो वो सलाह मिलती है। अब जैसे और 10 साल गुजर गए उस समय से, नाउ आई एम इन माय मिड टू लेट 40s, अब वो मुझे बात करते हैं अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अब वो मुझे बात करते हैं कैसे जिंदगी में चीजों को हैंडल करना चाहिए, कैसे इमोशंस को हैंडल करना चाहिए, कैसे नेगेटिविटी को हैंडल करना चाहिए, ये सारी स्पिरिचुअल बातें होती है। तो एक अलग सा रिलेशनशिप बना है। मेरी उनसे एक कंप्लेंट थी कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, आप फॉरगेट एज योर सन बट एज योर फैन आई वांट टू सी मोर ऑफ योर वर्क, आप इतना बढ़िया काम करते हैं, आप इतना महीन काम करते हैं। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट नेचुरल एक्टर्स, जब हिंदी सिनेमा में ज्यादा नेचुरल एक्टिंग देखने को आपको मिलती नहीं, 1978-79 में ही वाज परफॉर्मिंग नेचुरल परफॉर्मेंसेस जो मैं आज डिस्कवर करता हूं, मतलब माय गॉड दैट वाज सो गुड अगेंस्ट द ग्रेन। उस जमाने में सब कुछ लादर लाइफ, सब कुछ मेलोड्रामेटिक होता था, ही वाज सो पावरफुल विद नेचुरल परफॉर्मेंसेस, नेशनल अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंसेस। तो आई वेरी वेरी थैंकफुल टू बोथ संदीप अंगर रेड्डी एंड रणबीर, क्योंकि कबीर सिंह में उन्होंने काम किया, फिर उसके बाद संदीप ने इंसिस्ट किया कि सुरेश जी आपको ये करना ही है, यू आर माई लकी चार्म, आपको इस फिल्म में आना ही है, द नीडेड एनिमल्स रोल। एंड ऑन सेट रणबीर इज सो स्वीट, इट्स सच अ लवली वर्किंग एक्सपीरियंस। रणबीर मुझे फोन करके कहते थे यार ये बच्चा बहुत प्यारा है, इतनी इज्जत देता है, इतना प्यार करता है, इतना इट्स सो नाइस टू वर्क विद हिम, इतना हम्बल है। तो आई थिंक दैट एक्सपीरियंस वाज सो गुड फॉर हिम। अभी भी हम जब सक्सेस पार्टी पे मिले तो ही केम, ही हग्ड मी, ही हग्ड माय फादर, आशीर्वाद लिया उन्होंने। दीज एक्सपीरियंसेस आर मोर रिलेटेड टू हिज टाइम। अब उनको लगता है ये हमारे जमाने की तरह एक रिश्ता, एक प्यार, ज्यादा कट एंड ड्राई प्रोफेशनल अप्रोच, एजेंसीज कॉल कर रहे हैं, वो वाला उनको सूट भी नहीं करता, उनको बहुत मजा है। और अब वो कह रहे हैं यार मैं और काम करूंगा। सो आई हैव रणबीर एंड संदीप पंगा रेड्डी टू थैंक फॉर इंस्पायरिंग दैट टू स्टार्ट डूइंग मोर वर्क अगेन। अच्छा विवेक, आपने कभी भी इस बात के लिए ना नहीं कहा है, लाइक वी नो दैट यू आर अ स्टार किड, एक वो रहेगा आपके लिए। आपने कभी इस बात के लिए मना नहीं किया है कि मैं मल्टी स्टारर फिल्म करूं, आपकी पहली फिल्म भी मल्टी स्टारर फिल्म थी। क्या अब आज आपके दिमाग में क्या चलता है व्हेन यू हियर दैट मल्टी स्टारर फिल्म है? बिकॉज पहली फिल्म
किसी भी टारगेट के लिए ये होता है अभी जो हम देख रहे हैं कि मुझे सिंगल चाहिए, मेरे को अकेले अपनी फिल्म चाहिए, सब ऐसा चाहते हैं. लेकिन आपने वो बैरियर तोड़ा था, आपने मल्टी स्टार फिल्म की थी कंपनी के थ्रू एंड आज भी आप मल्टी स्टार फिल्म में दिखते हैं. लाइक व्हाट गोज थ्रू योर माइंड, वी वांट टू नो अबाउट इट कि व्हाई लाइक दिस, बिकॉज हमने आपकी अच्छी फिल्में भी देखी है, जैसा कि मैंने आपकी तारीफ की थी. मैंने साथिया, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ युवा ऑल्सो, दम ऑल्सो, साथिया ऑल्सो. सो व्हाट गोज थ्रू इन योर माइंड? टू बी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा पागल हूँ, हमेशा से अलग सोच रही है. जब यूएस से पढ़कर वापस आया, फिल्म में मास्टर्स किए, पढ़ लिख कर यहाँ आया, पिताजी ने टिपिकल वही किया कि भाई बेटे का लॉन्च होना चाहिए, सुपर हीरो फिल्म होनी चाहिए. आई गेस ही माइट हैव स्पोकन टू अब्बास मस्तानी. जी बिल्कुल सही कह रहे हैं. और मैंने अपने ही एक पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल्स पे, एक आदर्शों पर उनसे बात की और कहा कि देखिए आप मेरे आइडल हैं, आपके लिए तो कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, आपने अपने एबिलिटी पे, अपने टैलेंट पे, अपने जज्बे पे आपने अपने मकाम हासिल किया, मैं भी उसी तरह करना चाहता हूँ. तो वो कह रहे हैं मैंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है, मैं पैसे लगा रहा हूँ, आई विल गिव यू दैट प्लेटफॉर्म, तुम क्यों स्ट्रगल करोगे? मैंने कहा नहीं, अगर स्ट्रगल होगी मेरी तो सक्सेस भी मेरी होगी. एंड उस पॉइंट पे अपना लास्ट नेम ड्रॉप करके, ताकि किसी एम्बैरेसमेंट नहीं हो जाएगी, सुरेश जी का लड़का यहाँ ऑफिसों में दर दर स्ट्रगलर की तरह भटक रहा है, तो मैं विवेकानंद बन के हर ऑफिस में गया, 1.5 साल स्ट्रगल किया, ऑडिशंस के किसी को बताया नहीं मैं कौन. तो जब मुझे कंपनी मिली तो मुझे लगा ये मेरी कमाई है, अपने दम पर, अपनी मेहनत पर, मैंने अपने लगन के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से इस ऑडिशन को जीता है और इस ऑडिशन से ये फिल्म मुझे मिली. तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर रहा लाइफ में, मुझे हमेशा लगा कि ये एक चीज है. जब आप इस तरह से अप्रोच करते हो ना, तो आप इनसिक्योर नहीं होते, चाहे सक्सेस हो, फेलियर हो, उतार चढ़ाव मैंने अपने करियर में बहुत देखे, इनसिक्योरिटी कभी नहीं रही. क्योंकि आपको पता है कि या तो आप में टैलेंट है या नहीं है. अगर आप में टैलेंट नहीं है तो फिर बहुत सारी चीजें, आपको पैडिंग की रिक्वायरमेंट है. अगर आप में टैलेंट है, आप कमिटेड हो, आप डेडिकेटेड हो, आप अपनी जान लगाते हो, रोल में परफॉर्म करते हो, आपके डायरेक्टर्स जो आपसे अपेक्षा करते हैं उससे कुछ ज्यादा ही देने की कोशिश करते हो आप, अगर वो लगन आप में है तो फिर इनसिक्योरिटी आएगी. मुझे पता है कि भाई मुझे ये सीन मिल रहे हैं, मुझे इसमें परफॉर्म करना है, मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, शायद से लॉरेंस ओलिविया ने कहा था, देयर आर नो स्मॉल और बिग पार्ट्स, ओनली स्मॉल एंड बिग एक्टर्स. इसका मतलब ये है कि रोल चाहे कितना भी छोटा हो, आप उस पर अगर परफॉर्म करते हो, बॉबी देओल, लॉर्ड बॉबी कहते हैं, इतना प्यार, आई लव हिम पर्सनली सो मच, लॉर्ड बॉबी, इतना मैं उनको प्यार करता हूं. रोल की लेंथ देख लीजिए आप, लेकिन इम्पैक्ट क्रिएट किया ना उन्होंने. कपर सिंह देख लीजिए एज अ कैरेक्टर, जो अमजद साहब ने किया था, 7-8 सीन है पूरी पिक्चर में, शोले में, बड़ा बाहर निकल, तो आप कपूर सिंह को याद कर सकते, कर नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो इट्स अबाउट योर परफॉर्मेंस. आई डोंट बिलीव कि मल्टी स्टारर है, सोलो है, ये है, वो है, ये सब इनसिक्योरिटी और ईगो से. हमें बस काम करना है और अच्छा काम करना है. दो और सवाल है मेरे पास. 20 साल बाद मस्ती की अनाउंसमेंट की बात हो रही है और बस हो रहा है, कितनी सच्चाई है? बिकॉज 2004 में पहली मस्ती आई थी, तो क्या कितनी सच्चाई है, कोई क्या कंफर्मेशन अगर आप कुछ कहना चाहें? इट्स कंफर्म्ड, हो रही है. हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम दोबारा अपनी बीवियों से गाली खाएंगे चौथी बार. और हम फिल्म कर रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. अब तक हमने इसलिए नहीं किया बिकॉज इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज होने के बावजूद जब सही आइडिया नहीं मिल रहा है, जब सही स्क्रीन प्ले नहीं मिल रहा है जिससे आप कुछ नया ला पाए उसी फॉर्मेट में, फॉर्मेट में करना लोगों को लगता है आसान है, बहुत मुश्किल है. अब गोलमाल है, धमाल है, ये सारी पिक्चरें जो है कॉमेडी की, इसमें जो एक नया बेस लाना, एक नयापन लाना, क्योंकि कैरेक्टर्स वही है, कैरेक्टर्स तो सेम है, आप नया क्या लाओगे? आपको स्टोरी कुछ नहीं लानी पड़ेगी, सिचुएशन कुछ नहीं लानी पड़ेगी. अब वो सिचुएशन क्रैक हो गई है, सो वी विल बी अनाउंसिंग इट ऑफिशियली सून. एंड आई थिंक आई एम एक्साइटेड टू हैव fun on the sets with we are all my crazy brothers. And is bar
Milab Zaveri, who had written the first Masti and has been part of Masti series from 20 years ago. He will be, he's written it and he's also going to be directing it. So it's going to be very, very exciting. Lastly, उस दौर के विवेक ओबरॉय में आप क्या मिस करते हैं और उस दौर के विवेक ओबरॉय में आप क्या छोड़ के आए हैं? मैं अगर किसी चीज को मिस करता हूँ तो वो मेरा इनोसेंस. कहीं ना कहीं जीवन के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे जिससे वो इनोसेंस, वो एक ओपननेस जहाँ पे आप किसी को भी आराम से ट्रस्ट कर लेते, मेरा ट्रस्टिंग नेचर है, एक इनोसेंस जहाँ पे आप खुले मन से रहते थे, वो कहीं कहीं कम हुआ है मेरी जिंदगी में. सो आई मिस दैट इनोसेंस. जब मैं अपने बच्चों में वो इनोसेंस देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं अपने इनोसेंस को याद करता हूँ कि वो चीज़ें अब अनुभवों के साथ, जिंदगी के साथ में कम हो गई है. मेरी मॉम को देखता हूँ तो आज भी उनकी आंखों में एक बच्चों वाली आंखों की चमक है, क्योंकि मैं आज भी वो इनोसेंस बरकरार है. उस चीज़ को मैं मिस करता हूँ. और क्या छोड़ के मैं जो छोड़ के आया हूँ वो है कोई भी चीज पे इमीडिएटली रिएक्ट करना. क्योंकि एक्शन जो है कुछ हद तक आपके साथ क्या होने वाला है, आपके प्रति कोई क्या कर रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में, आप उसे कैसे रिएक्ट करेंगे वो आपके हाथ में. तो मैं इसको एज अ फिल्म ही देखता हूँ लाइफ को. तो मैं कैरेक्टर हूँ, आपने मुझे कोई डायलॉग कहा, मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहा है और मुझे अपना रिएक्शन सोच समझ के देना है. एज एन एक्टर मैं कैसे सोच समझ के रिएक्शन देता कि भाई सीन में अगर कोई ऐसा बोलेगा तो मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए. वैसे तो मैंने अपने करियर को ही मेरी लाइफ की एक फिलॉसफी बना दी, एक्टिंग को ही एक भगवत गीता का अप्रोच दे दिया कि भाई लेट्स कीप इट फिलोसॉफिकल, ऑल दोस लर्निंग्स लेट्स अप्लाई इन रियल लाइफ, सो यू डोंट फील पेन, यू डोंट फील अपसेट, यू डोंट फील इनसिक्योर, यू डोंट फील ईगो, यू डोंट फील ऑल दीस थिंग्स. एक मैच्योरिटी आ गई. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर इंडियन पुलिस फोर्स व्हिच इज रिलीजिंग ऑन Amazon Prime 19 जनवरी को. एंड थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. ऑलवेज अ प्लेजर. वी हैव लव्ड यू, वी हैव लव्ड, वी लव, वी स्टिल लव योर फादर एंड वी आर एक्साइटेड फॉर इंडियन पुलिस फोर्स. थैंक यू सर. थैंक यू फ्रॉम माय हार्ट.